नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। घाघरा नदी के कटान की चपेट में कैथी गांव का मुख्य मार्ग आवागमन हुआ बाधित। कटान प्रभावित किसानों को सता रहा है फसलों का जलमग्न हो जाने से होने वाले नुकसान का डर। घाघरा नदी का पानी लगातार ग्रामीण इलाकों को चपेट में लेता हुआ। कैथी निवासी संतोष कुमार ने बताया कि जब से नदी बढ़ने लगी है तब से ही कटान जारी है और इस कटान से गांव में पानी घुस आएगा और ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कटान से मार्ग अवरुद्ध हो गया है। कैथी गांव आने जाने के लिए यही एकमात्र मार्ग था। ग्रामीणों का कहना है कि कटान रोकने के लिए कोई ठोस कदम प्रशासन ने नहीं उठाए हैं। नदी के विनाशीला लगातार जारी है। अब वह दिन दूर नहीं जब गांव का नाम सिर्फ कागज के नक्शे पर ही नजर आएगा। पहले भी लोकमंच से बात करते हुए ग्रामीणों ने बताया था कि सरकारी तंत्र द्वारा जो परक्यूपाइन मशीन से माध्यम से पानी में यूं ही डाल दिया जा रहा है, इससे कटान नहीं रुकेगी, लेकिन जिम्मेदारों की शिथिल रवैये के चलते ग्रामीणों के जीवन पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। नदी बढ़ी हुई है, खतरे के निशान से करीब 20 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ी, लेकिन हमारे जो गांव हैं सल्लापुर, कैथी माझा, महू का पुरवा, इन सब गांवों में अभी कोई खतरा नहीं है। लगातार हम लोग दौरा कर रहे हैं, आज भी गांव का दौरा किया गया है। थोड़ा पानी बढ़ने से गांव के किनारे जो सड़क बनी हुई है महू पुरवा जाने के लिए सल्लापुर से, पूरब साइड में थोड़ा कटान हुई है सड़क की, बाकी कोई नुकसान नहीं है। फसलों कोई क्षति नहीं हुई है, जनहान कोई नहीं हुई है और जानवरों की चारे की थोड़ी दिक्कत है, लेकिन फिर भी उसकी व्यवस्था उस पार से लोग जाके लाते हैं। जब पानी बढ़ेगा या बंधे तक आएगा तब हम उनको सहायता उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। पन्नी, तिरपाल, राशन, भूसा जो भी है दो दिन के अंदर उनके पास आवश्यकता होगी तो पहुँच जाएगा। बाढ़ को लेकर प्रशासन की क्या तैयारी है? बाढ़ को लेकर के हमारे पास 7 गांव हैं, लगभग 730 व्यक्तियों का नाम सूची हम लोग तैयार कर लिए हैं, जिनके मतलब जो विस्थापित होंगे उनके लिए बाढ़ संरक्षण व्यवस्था की जाएगी, उनको राहत सामग्री सरकार द्वारा जो अनुमन्य है पहुंचाई जाएगी। लगभग 29 से 40 किलो सामान उसमें रहता है एक किट में, 760 परिवारों को हम उपलब्ध कराते हैं। हमारे 7 गाँव में 760 परिवार हैं। वर्तमान समय हमारे पास जो कैथी माझा जाने वाले लोग हैं उनको 2 नाव दी गई है, महू पुरवा के लोगों को चारा लाने के लिए 1 नाव लगाई गई है। अभी कोई बाढ़ का खतरा नहीं है। नदी कल से घट रही है, जैसा कि गेज भी बता रहा है, लोकल हमारे ग्रामीणों से संपर्क में है वो भी बता रहे हैं नदी घटाव पे है और हमारी बाढ़ की तैयारी पूरी है। नावें भी हैं, बाढ़ संग्रहालय भी तैयार है। बाढ़ आने पर हम हमेशा सतर्क और सजग रहते हैं। क्या नाम है सर? स्थिति नियंत्रण में है। स्थिति नियंत्रण में, अभी कोई खतरा नहीं है। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। कहाँ रहते हो? सल्लापुर। ये जो मार्ग कट रहा है आपका, ये कहाँ से कहाँ जाती है? ये पत्ता से नहीं, कल की गाँव थी। ये कटान कब से लगी है? कटान लगभग ये पानी बाढ़ा थे भाई, कटान चालू हो जाते। तहसील से या जिले से कोई अब तक यहाँ पे अधिकारी आया नहीं है? अधिकारी आते हैं जाते हैं चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। ठोकर भोकर का लगाएं का नहीं, आधा तिहा लगाएं वही का बांस बल्डी लगा के भाग जाते। क्या नाम है भाई साहब आपका? संतोष कुमार, ग्राम पंचायत का नाम कैथी है। ये जो कटान यहाँ लगा हुआ है, जी जी, ये कितने दिन से लगा हुआ है? सर ये तो शुरुआत से जब से नदी बाढ़ी है तब से ही थोड़ा थोड़ा करके आगे से था जी, करीब यहाँ से ज्यादा नहीं 2 किलोमीटर के ऊपर तक पानी काट गया जी, जी। इस कटान से ग्रामवासियों को क्या परेशानी हो रही है? जैसे अब यहाँ कट जाए तो गांव में पानी हल जी, गन्ना देखा जाए लगा हुआ है, ये सब काट के खवाए परे, जानवर के नमाज नुकसान सबसे ज्यादा बड़ा हुए। जिस मार्ग पर हम लोग खड़े हुए हैं जी, ये मार्ग कहाँ से कहाँ को जोड़ता है? साहेब ने कहा मतलब सीधे अगर कहा जाए तो इसे पस्ता से आप सीधे बैठ करके ग्राम सभा कैथी तक आ सकते हैं। अगर सरकारी व्यवस्थाओं के बारे में कहा जाए तो क्या व्यवस्थाएं मिली हैं अभी तक इस कटान को लेकर? जी साहब, देखा जाए या ठहरे लोकल महीने ठोकर साहब यहाँ काम ना दे, क्योंकि मजबूती चाहते हो सल्लाहपुर के सामने से लगावा जाए और ताकि हमारे सब लोगों के गाँव बचे। तो सरकारी व्यवस्था के लिए आप क्या करें? कुछ व्यवस्था हुई आप लोगों के लिए? साहब कौन व्यवस्था हुई, कौन चीज व्यवस्था, कोनो व्यवस्था नहीं है, बस यही ना कि देखा जाए आज कट जाए कल कट जाए।
ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।